कि चोर कितना भी सातिर हो लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिसके कारण वो पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। जी हाँ, दरअसल ऐसी ही एक गलती यूपी के कन्नौज जिले में दो लोगों ने की। इन लोगों ने बड़े ही सातिराना अंदाज में अपने ट्रैक्टर की खुद लूट कर पुलिस को लूट की झूठी घटना में उलझाकर इन लोगों ने थाने में लूट का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिसिया तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूट की झूठी सूचना देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये अजय पुत्र राम प्रसाद निवासी कबीरगंज थाना तालग्राम ग्राम रौसा थाना इंद्रगढ़ जनपद कन्नौज निवासी है। तो इसने थाना सौरिक पे एक सूचना दी कि थाना सौरिक अंतर्गत ईशन नदी पुल के पास से इसकी ट्रैक्टर 3 पल्सर सवार बाइक सवार बदमाशों ने लूट ली है और उसके साथ ही साथ 75,000 रुपया भी लूट लिया है। इस संबंध में थाना सौरिक पर 392 IPC का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। तो इसके बयानों से थोड़ा संदेह पैदा हुआ और जब गहराई से छानबीन की गई तो इसकी आम ख्याति भी खराब मिली और इसने जो बयान दिए उसकी पुष्टि नहीं हो पाई और गहनता से जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इसने 4.5 लाख रुपया ट्रैक्टर का लोन चुकाना था, जो इससे बचने के लिए इसने एक झूठी कहानी रची और पुलिस को लूट की एक झूठी सूचना दी। और इसमें इसके दो साथी राम सागर पुत्र श्री कृष्ण और सीटू पुत्र बलराम भी शामिल थे। तो पुलिस ने इन दोनों तीनों को गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पे छुपा करके रखी हुई ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है।